हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहाँ पे आपको स्कूल कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर जामिया बीएड एंड डीयू बीएड लाइक सीयूईटी एग्जाम, सो यू मस्ट फॉलो दिस चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स अबाउट द बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर द जामिया एंड फॉर द डीयू सीयूईटी। ओके, सो मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपके साथ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करे थे जामिया बीएड के लिए, तो सेम एज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो कि आपको स्पेशली एंड इम्पॉर्टेंटली कवर करने चाहिए मैथ्स में, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहाँ से हमेशा हर ईयर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये अगर टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं, सो सेम एज आई हैव टोल्ड यू इन रीजनिंग पार्ट दैट यू कैन गेन 30 आउट ऑफ 30 इन रीजनिंग, सो सेम एज हेयर यू कैन गेट 30 आउट ऑफ 30 इन मैथमेटिक्स ऑल्सो इफ यू प्रिपेयर ऑल दिस टॉपिक्स फॉर द मैथ प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स अबाउट द बी एड एंट्रेंस एग्जाम एंड अबाउट द ऑल द इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर द प्रिपरेशन एंड एज वेल एज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी एड और इन इट्स एंट्रेंस एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जो पहला टॉपिक रहने वाला है आपका इंपॉर्टेंटली मैथ्स में, वो है लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन वाली या सिलेबस वाली वीडियो में, कि जो भी मैथ्स के टॉपिक होते हैं वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, और उसमें भी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं लॉस एंड प्रॉफिट को लेकर, तो आप आराम से धुआं उड़ा सकते हैं वहाँ पे, कोई डरने की बात नहीं है। ज़्यादा कुछ हवा पूछा नहीं जाता, लाइक आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े लॉस एंड प्रॉफिट से, डिस्काउंट से, परसेंटेज से, बट यहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आप 8th क्लास की एनसीईआरटी अगर फॉलो कर लेते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के लिए, तो वो भी आप के लिए सफिशियंट होगा। यहाँ के क्वेश्चन वाले, यहाँ के जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन, वो आप आराम से कर पाएंगे। तो लॉस एंड प्रॉफिट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लॉस एंड प्रॉफिट के जो बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आप क्लियर कर लेना लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। लाइक लॉस निकालना, प्रॉफिट निकालना, लॉस परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, और फिर कोई भी एक सिनेरियो होगा उस, तो उसमें बता पाना कि लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट आ जाता है, डिस्काउंट में भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है या फिर इतने से इतने मार्जिन पे। ये जो डिस्काउंट वाला टॉपिक है वो आपका लॉस एंड प्रॉफिट के साथ ही जुड़ जाता है, तो लॉस एंड प्रॉफिट अगर आपको समझ आता है तो डिस्काउंट भी आप समझ जाएंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े थोड़े कनेक्टेड हैं, तो आप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ डिस्काउंट देख लेना, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट और से हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही क्लियर करने हैं, ज़्यादा कुछ इसमें भी पूछा नहीं जाता। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल घुमा घुमा के पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से, जो कि समझ नहीं पाते हैं, बट यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर, कि ये किस प्रकार से निकाले जाते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 6 मंथ्स का। तो अगर आप इतना भी सीख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो वो भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा जामिया बीएड के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं लास्ट टू लास्ट ईयर, चाहे बात करें चाहे लास्ट ईयर बात करें, तो टाइम एंड वर्क भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो टाइम एंड वर्क आप करके चलिएगा। फिर आपका इसी तरह से स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, और ये जितने भी टॉपिक्स मैं कह रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही सीख कर जाने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे इनफ रहेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा ट्रिक के साथ सीखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी करके चलना पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, ठीक है, इसका बेसिकली एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आपको पता होगा, तो टाइम एंड वर्क एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आप आराम से निकाल पाएंगे। फिर इसके अलावा है औसत, औसत जिसे हम एवरेज कहते हैं, तो एवरेज भी आपको निकालना आना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जितने भी टॉपिक हैं वो सारे अर्थमेटिक पोर्शन के हैं, तो अगर आपने कभी अपने लाइफ में या फिर इससे पहले कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा, तो आपको पता होगा ये सारे टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, और एज वेल एज यहाँ पे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें। बट अगर हम डीयू बीएड की बात करें, तो उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आते थे वो सिंपल, जो आपके एनसीईआरटी
बुक होती थी 10th क्लास की, वहीं से क्वेश्चन आते थे। बट यहाँ पे जामिया बीएड में आपके अर्थमेटिक पोर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो औसत आपको प्रिपेयर करना है, एवरेज एवरेज निकालना आना चाहिए। फिर उसके अलावा है एज, एज में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, लाइक दो लोगों की एज दे दी जाती है या फिर एक महिला की एज और उसके बच्चे की एज दे दी जाती है, तो उसमें आपको उस बच्चे की एज काउंट करनी होती है या फिर उस महिला की एज निकालनी होती है कि कौन किससे कितना बड़ा है। तो इस तरह से एज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज। परसेंटेज से भी आपके ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। परसेंटेज से भी अगर आपके बेसिक्स नॉलेज कंप्लीट है या फिर बेसिक्स आपको आता है परसेंटेज निकालना या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना या फिर किसी चीज़ का परसेंटेज निकाल के फिर उसमें लॉस एंड प्रॉफिट देख पाना, तो फिर वो परसेंटेज आपका इनफ रहेगा, उतना ही आपको सीखना है परसेंटेज में भी। ठीक है, तो परसेंटेज आप निकालना आना चाहिए, लॉस एंड प्रॉफिट के साथ परसेंटेज भी आपका जुड़ जाता है। तो परसेंटेज तो मेरे ख्याल से हर जगह जुड़ा होता है, तो परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको करना है। ठीक है, परसेंटेज। फिर उसके बाद है समान अनुपात एंड अनुपात वाला, ये भी आपको निकालना आना चाहिए कि अनुपात एवरेज जिसे हम कहते हैं या फिर समानुपात निकाल पाना, तो ये आना चाहिए। फिर उसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एचसीएफ एंड एलसीएम बहुत ही बेसिक है और इन्हें निकाल पाना तो हर एक स्टूडेंट निकाल ही लेता है एचसीएफ एंड एलसीएफ। तो एचसीएफ एलसीएम के भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और निकालना आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन हो गए, फ्रैक्शन भी आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो अर्थमेटिक पोर्शन से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो आपका अर्थमेटिक पोर्शन से थोड़ा सा अलग हो जाता है और इजी होता है, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है फ्रैक्शन में। प्रोबेबिलिटी भी आप आराम से कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी जैसे कि आपका चेस हो गया या फिर आपकी जो डाइस हो गई, ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको आने चाहिए, वरना इसमें से जो क्वेश्चन पूछे आते हैं या फिर आपके जो ताश के पत्ते हो गए वो वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, तो वहां से भी क्वेश्चन जो पूछे आते हैं अगर आपको उनके बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आप वहां पे फिर गलती कर देंगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको ताश वाली प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि ताश में कई तरह के पत्ते होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि उसमें कितने प्रकार के कौन कौन से पत्ते होते हैं तो आप वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। सेम एज डाइज हो गया, चेस हो गया, इन सब के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डाइज, प्रोबेबिलिटी में डाइज आपका हो गया, चेस हो गया और आपका ताश के पत्ते हो गए। इसके अलावा जितनी भी प्रोबेबिलिटी की बेसिक होते हैं वो आप देख लेना, कवर कर लेना। ठीक है, फिर आपका नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम में जो भी बेसिक होते हैं आपके नंबर सिस्टम के वो आपको पढ़ लेने हैं और वो कंप्लीट कर लेने हैं। फिर इसी की तरह आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आप अगर कर लेते हैं तो वो भी आपका सफिशेंट रहेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के साथ आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं 10th क्लास तक की एनसीईआरटी तक, वो आप देख लेना और जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो याद रखना। नेक्स्ट है फिर आपका परिमाप, क्षेत्रफल व आयतन, ये भी अगर आप 10th तक की एनसीईआरटी के कर लेते हैं, परिमाप क्षेत्रफल और आयतन जितने भी शेप्स होते हैं, शेप्स के अलावा उनके डिफरेंट जो एरियाज के फॉर्मूले होते हैं, आयतन के वॉल्यूम के फॉर्मूले होते हैं या फिर पेरीमीटर होता है, वो भी आपको करके जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक्स पूछी आती है, बट वो बेसिक्स भी अगर आपको तभी कर पाएंगे जब आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे और उसकी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया और इसी के साथ ये हो गई वीडियो खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेक श्योर कि यू आर कंप्लीटिंग ऑल दिस टॉपिक्स फॉर दी मैथ्स पोर्शन, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल डू समथिंग बेटर इन दैट एग्जाम विद मैथ ऑल्सो एंड रीजनिंग ऑल्सो। सो आई हैव शेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथ एंड रीजनिंग। नाउ इट्स योर टर्न टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स। वॉच यूट्यूब वीडियोज, वॉच एनी काइंड ऑफ वीडियोज और डू बाई योर सेल्फ। सो दिस विल हेल्प यू इन योर बी एड एंट्रेंस एग्जाम एंड आई विल प्रोमिस यू दैट यू कैन डू समथिंग बेटर इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो मैंने आपको टोटल 60 मार्क्स का कवर करवा दिया है टॉपिक, जहाँ पे आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके 60 नंबर कहीं नहीं गई जामिया बीएड में। ठीक है, 170 में से आपके 60 इधर बन जाएंगे, तो आपका बच गया थोड़ा सा कितना, 110 क्वेश्चन बच गए, जिसमें से आपके जो एनसीईआरटी के साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर हो गया,
तो यहाँ के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको सून प्रोवाइड कराऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। सो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप न्यू है चैनल पे तो यू कैन सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ अस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच।